दो टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, ऑस्ट्रेलिया ने 76 रन का टारगेट 76 मिनट में हासिल कर लिया, 9 विकेट से जीती। WTC फाइनल का इंतजार बढ़ा, भारत को जीतना होगा चौथा टेस्ट, वह भी हारे तो न्यूजीलैंड श्रीलंका सीरीज का इंतजार करना होगा। WPL का पहला सीजन आज से, 23 दिन में 5 टीमें खेलेंगी 20 लीग मैच, दिल्ली सबसे मजबूत, WPL का पहला सीजन। अश्विनी बने टेस्ट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज, जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ा टॉप 10 में 3 भारतीय। ईरान में छात्राओं पर केमिकल अटैक, पढ़ाई से रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में दिया जा रहा है जहर, माओ ने विरोध किया तो बाल पकड़कर खींचा, गिरफ्तार किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जापान बोला चीन नियम माने तो क्वाड में शामिल कर लेंगे, ये कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक की बड़ी ताकत। कर्नाटक में भाजपा एमएलए का बेटा 40 लाख घूस लेते गिरफ्तार, ऑफिस घर से 8 करोड़ कैश मिला, विधायक पिता ने कंपनी का चेयरमैन पद छोड़ा। यूएन में भाषण देने वाली नित्यानंद की शिष्या की सफाई, हम भारत का सम्मान करते हैं, पहले कहा था हिंदू विरोधी नित्यानंद को टारगेट कर रहे हैं। यूपी विधानसभा में 58 साल बाद अदालत, 6 पुलिसकर्मियों को सजा, 1 दिन लॉकअप में बंद रहेंगे। हांगकांग की 42 मंजिला इमारत में आग, 9 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई, 170 लोगों को बचाया गया। दिल्ली शराब घोटाला केजरीवाल से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई, ईडी कई हैंडसेट सिम बदलने से रडार पर आए, मनीष सिसोदिया कंप्यूटर ने पहुंचाया जाए। लोकसभा 2024 चुनाव के लिए लड़ेंगी टीएमसी, विपक्षी एकता की मुहिम के बीच ममता ने खुद को किया अलग, कहा हमारा गठबंधन जनता से। सीतामढ़ी में डीजे की आवाज से दूल्हे की मौत, पहले घबरा जयमाला के बाद स्टेज पर बेहोश होकर गिरा, इलाज के दौरान थोड़ा दम। कैम्ब्रिज में बोले राहुल गांधी, भारत में लोकतंत्र खतरे में, मेरे खिलाफ केस हुए, अफसर कहते थे फोन पर सोच समझ कर बोलना, बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। गया एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट जारी, एयरपोर्ट डायरेक्टर को मिला पत्र, बोले पर ड्रोन और केमिकल से हमले का जिक्र। भोपाल में धर्मधम्म सम्मेलन का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत, बोली धर्म का जहाज हिलता डुलता है लेकिन डूबता नहीं। झारखंड में पूजा सिंघल के 2 करीबियों के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड, कोयला कारोबारी के घर से 3 करोड़ जब्त। उमेश पाल हत्याकांड का मामले में अतीक के करीबी मशरूकुद्दीन प्रधान के मकान पर चला बुलडोजर, कभी अहमद के घर पर भी पहुंचेगा बुलडोजर। यूपी के सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, अराजकता फैलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर हो सख्त कार्रवाई।